हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का टेक्निकल जीनियस चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप लोगों का IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर अगर आपका अकाउंट है, जीरो बैलेंस का अगर आपका खाता है IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर, और दोस्तों अगर आप लोगों का मोबाइल नंबर चेंज करना है इसके अंदर, तो दोस्तों कैसे मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो। दोस्तों देखो, इसके अंदर तीन स्टेप है दोस्तों, जो तीन स्टेप से आप इसके अंदर मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो। पहला स्टेप है दोस्तों, आपको बैंक ब्रांच में जाके मोबाइल नंबर आप चेंज कर सकते हो। दूसरा स्टेप है दोस्तों, आप नेट बैंकिंग से मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको तीसरे स्टेप के बारे में बताऊंगा, जो कि दोस्तों आप ATM कार्ड से मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर आप ATM कार्ड से अपने मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हो अपने बैंक खाते में। कैसे मोबाइल नंबर चेंज करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलो दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों देखो, जो भी मैं आपको स्टेप बताऊँगा IDFC बैंक के अंदर मोबाइल नंबर चेंज करने का, जो भी प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा, सिर्फ और सिर्फ आपको वही स्टेप वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का कमेंट आता है कि हमारा मोबाइल नंबर चेंज नहीं हो रहा, हमारे ATM स्क्रीन पर ऐसा मैसेज शो नहीं हो रहा। तो जो स्टेप बताऊंगा वही आपको फॉलो करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने ATM कार्ड को डालना है ATM मशीन के अंदर। उसके बाद दोस्तों जैसे आप कार्ड डालोगे, आपके ATM स्क्रीन पर देखो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, वी आर प्रोसेसिंग योर ट्रांजेक्शन, डू नॉट रिमूव योर कार्ड। इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे बोलेगा आपको अपने ATM कार्ड को नहीं निकालना है। ATM कार्ड को नहीं निकालना है। कुछ समय वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके ATM स्क्रीन पे लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, इंग्लिश या फिर हिंदी, जिस लैंग्वेज में आप आगे बढ़ना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, मेन मेन्यू, सेट योर पिन। आपको दोस्तों फर्स्ट वाले ऑप्शन में जाना है, मेन मेन्यू वाले में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछेगा, व्हाट वुड यू लाइक टू डू टुडे, आज आप क्या करना चाहते हो। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे देखने को, जैसे कि गेट फास्ट कैश, विड्रॉल कैश, गेट अवेलेबल लोन, पर्सनल लोन, गेट मिनी स्टेटमेंट, चेक योर बैलेंस, पेमेंट बिल रिचार्ज, चेंज ATM पिन और मोर ऑप्शन। आपको दोस्तों मोर ऑप्शन वाले ऑप्शन में जाना है। इसके अंदर जैसे ही आप जाते हो, उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे आपको चार पांच ऑप्शन और मिलेंगे, मेक क्रेडिट कार्ड पेमेंट, रजिस्टर फॉर नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, मेन मेन्यू और रिक्वेस्ट चेकबुक, रिक्वेस्ट स्टेटमेंट, अपडेट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मोर ऑप्शन। आपको दोस्तों क्या करना है, सेकेंड लास्ट में आपको जाना है अपडेट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में। इसके अंदर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहा है साफ साफ, इंटर योर मोबाइल नंबर। दोस्तों यहाँ पे देखो, बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि हम यहाँ पे मोबाइल नंबर कौन सा देना है, हमें यहाँ पे या पुराना वाला मोबाइल नंबर देना है या फिर नया वाला। तो दोस्तों देखो, यहाँ मैं बताता हूँ, जो आपको मोबाइल नंबर इसके अंदर चेंज करना है, जो आपको अपडेट करना है, वो वाला मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद दोस्तों आपको कंफर्म करना है, और दोस्तों फिर दोबारा से आपको सेम वही वाला मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, और फिर से आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप कंफर्म करते हो, कंफर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ बोलेगा, प्लीज़ इंटर 4 डिजिट ATM पिन टू प्रोसीड। यहाँ पे दोस्तों आपको अपने ATM कार्ड का पिन डालना होगा, 4 डिजिट का। जैसे ही आप पिन डालते हो, उसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, प्लीज़ वेट वाइल बी प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। यहाँ पे कह रहा है आपको थोड़ा वेट करने के लिए भी आपका जो रिक्वेस्ट है दोस्तों प्रोसेस में चला गया है। उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि आपका ATM कार्ड जो दोस्तों ATM मशीन में से निकल जाएगा। ATM कार्ड को आप निकाल लेना ATM मशीन में से। जैसे आप ATM कार्ड निकालते हो, उसके बाद दोस्तों ATM स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन एक्सेप्टेड, योर मोबाइल विल बी अपडेटेड विद इन 2 वर्किंग डेज फॉर योर अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि आपका रिक्वेस्ट यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया है, और 2 दिन के अंदर आपका मोबाइल नंबर जो है आपके खाते में जो है चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों ये तरीका है IDFC बैंक के अंदर ATM कार्ड से मोबाइल नंबर चेंज करने का। और दोस्तों अगर आप ये सेम स्टेप अगर आप फॉलो करते हो, तो दोस्तों आपका 100% आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप ये स्टेप फॉलो नहीं करते हो, अगर आप ये पूरी वीडियो नहीं देखते हो, आधी अधूरी वीडियो देखते हो और जाओगे दोस्तों अगर आप ATM मशीन पे मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए, तब दोस्तों आपका मोबाइल नंबर चेंज नहीं होता है, आपके ATM स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ नहीं आता है। फिर दोस्तों आप मुझे कमेंट में कहते हो कि सर मेरा मोबाइल नंबर जो है चेंज नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये स्टेप अगर आप फॉलो करते हो तो आपका मोबाइल नंबर 100% चेंज होगा। तो दोस्तों देखो, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ।